हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डिनो का यूज़ करके एलईडी चेसर बनाने वाले हैं। और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं टोटल 5 पैटर्न्स है और ये 5 पैटर्न्स एक एक बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेडबोर्ड, उसके बाद हमें चाहिए ऑर्डिनो, और इसके बाद में हमें चाहिए 3 रेड एलईडी, 3 ब्लू एलईडी और 3 ग्रीन एलईडी, और सबसे आखिर में हमें चाहिए जंपर केबल्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्डिनो की पिन नंबर 1 से लेकर 9 तक हर एक पिन को एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए है, और इन एलईडी का जो सेकेंड टर्मिनल है निगेटिव टर्मिनल, उसे हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए है। फ्रेंड्स, अब हम कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए मैं सबसे पहले ब्रेडबोर्ड ले लूँगा और ब्रेडबोर्ड के ऊपर एलईडी को इस तरह से लगा दूँगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लू एलईडी लगाया हूँ, उसके बाद में ग्रीन एलईडी और फिर उसके बाद में रेड एलईडी, और इसी ऑर्डर के हिसाब से मैंने आगे एलईडी को लगाया हूँ। अब इसके बाद मैं इन एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एक जंपर केबल अटैच कर दूँगा, और इन जंपर केबल को ऑर्डिनो की डिजिटल पिन 0 से लेकर 9 तक कनेक्ट कर दूँगा। सबसे आखिरी में मैं इन सभी एलईडी के ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूंगा। हमारा सर्किट पूरा हो चुका है, अब बारी आती है प्रोग्रामिंग की। फ्रेंड्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हूँ, आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आप इस प्रोजेक्ट के कोड को यहाँ से कॉपी करके अपने आर्डुइनो आईडीई में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो sequentialled.ino इस फाइल को डाउनलोड करके अपने ऑर्डिनो IDE में ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का याद रखना है कि जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तब आपको इस फाइल को उस फोल्डर में सेव करना है जिस फोल्डर में आपके ऑर्डिनो के स्केच सेव होते हैं। इस कोड को पेस्ट करने के बाद में आपको इसे कंपाइल करना है और अपने ऑर्डिनो में अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड हो चुका है और हमारा एलईडी चेसर का सर्किट ऑन हो जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह से टोटल 5 पैटर्न्स हमें दिखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह से ऑर्डिनो के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।